देश में कोरोना वायरस से जनता को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिवसीय जनता कर्फ्यू लगाने का आह्वान किया था और ऐसे में जनता से अपील की थी कि मीडिया कर्मी, पुलिस कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और सफाई कर्मियों के लिए शाम 5 बजे अपनी अपनी बालकनी में खड़े होकर ताली, थाली और घंटे बजाएं। और जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के इस आह्वान की सराहना भी की और माना भी। लेकिन अब देश के अलग अलग कोने से कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के दौरान पुलिस पर हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मगर मेरठ में इसी के उलट पुलिस का जगह जगह लोग स्वागत कर रहे हैं। मेरठ में लॉकडाउन के दौरान पुलिस की तत्परता और मानवीय कार्यों को लेकर लोगों ने आज कई जगह पर पुलिस पर फूल बरसाए। लॉकडाउन के नियम का पालन कराने के साथ ही साथ पुलिस गरीबों को खाना भी खिला रही है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लगातार पुलिस 24 घंटे सेवा में तत्पर है, लोगों को खाना पहुंचाना, दवाई पहुंचाना, तमाम बीमार लोग हैं जिनको गाड़ियों से हॉस्पिटल पहुंचाना। इसके साथ ही जो पुलिस की ड्यूटी है वो भी यहां पुलिस के सभी जवान निरंतर बहुत परिश्रम से कर रहे हैं। जनता भी इनकी इस ड्यूटी की तारीफ कर रही है, प्रशंसा कर रही है। और आज कई इलाकों में जहाँ की पुलिस राउंड ले रही थी वहाँ कई लोग छतों पर आए और बाहर से पुलिस के ऊपर इन्होंने फूलों की बारिश की। हिंदू मुस्लिम से दूर होकर सभी लोग पूरी तरह से कह रहे हैं कि हम लोग पूरी तरह लॉकडाउन को सफल बनाएंगे और पुलिस का सहयोग करेंगे और सभी पक्ष इसमें पूरी तरह से पुलिस के साथ हैं। इसका परिणाम है कि हम लोग स्थिति को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने में सफल हो रहे हैं। पुलिस की तरफ से भी सबसे यही अपील है कि सब लोग ये नियम कानून का पालन करें, लॉकडाउन जब तक है तब तक उसको बनाए रखें। ये हमने ये करा है, हम मेरठ पुलिस का सम्मान करना चाहते हैं। हमारे जवान बॉर्डर पर लड़ते हैं, उन्हें मालूम होता दुश्मन किधर से आएगा। ये मेरठ की पुलिस अपनी जान हथेली पर लेकर सारे अवामों की खिदमत कर रही है। हम मेरठ पुलिस के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे। मेरठ पुलिस जिंदाबाद।